स्वाम जी। ओम बहन जी। उजाई करो सब। मेरे को 30 साल से थायराइड था बहुत जबरदस्त, और अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया। चेक करवा लिया? हाँ जी, कल रिपोर्ट आई है। और दवाई कब बंद कर दी थी? दवाई वो थायराइड कौन सा ले रही हूँ, थायराइड ले रही नहीं, थायराइड तो ले रही है। एलोपैथी वाली कब बंद की थी? वो तो बनाते ही बंद कर दी थी। कितने दिन हो गया ये? 10 दिन हो गए। चलो भाई ताली बजा दो मैं माता की। नाम क्या है? सोमलता। सोमलता, और वजन कितना है? वजन तो 120 था, 115 पे आ गया। 120 से 15 पे आ गया ना। हाँ जी। तेरे को यहीं रख लूं? हाँ रख लो। 120 है ना, इसको बेचारी को बहुत ज्यादा है वजन। हाँ, तो तेरा तेरा 20 से 20-25 किलो कम करके ना फिर भेज देंगे। ठीक है ना। हाँ, इसको बहुत अब इतना शरीर, मतलब इसको चलने में भी दिक्कत होती है। और क्या क्या फायदा हुआ? और शुगर भी 200 से 140 आ गया। हाँ जी। ठीक है। और बीपी तो नहीं था? नहीं, बीपी नहीं था, सर्वाइकल में आराम हुआ है। सर्वाइकल में आराम हो गया। हाँ। और गोड्डे नहीं दुखते तेरे? नहीं। उम्र कितनी है? उम्र 65। हाँ, 65। 65 साल की उम्र में इतना वजन झेल रहे तेरे गोड्डे। है, जोरदार ताली बजा दो भाई इसका। तो मैं वो सोच रहा था भाई, कम उम्र होगी तो झेल लेंगे, इतना भारी शरीर झेल रहे हो गोड्डे तेरे भाई। तेरे गोड्डे तो बड़े साथ दे रहे हैं तेरे, नहीं तो गोड्डे धोखा देते। एलोवेरा के लड्डू खाती हूँ आजकल। एलोवेरा के लड्डू खाती है? वो एलोवेरा के लड्डू मैंने बताए और इसने एलोवेरा के लड्डू बताता हूँ ना मैं, उसको घी में भून के एलोवेरा को। तो ये रेसिपी कब सीखी थी? 10-15 साल से एलोवेरा के लड्डू खा। तो ये एलोवेरा के लड्डू बड़े जोरदार होते हैं। खैर, अब लड्डू मत खाइए ना भाई। अब बस वजन और कम कर लीजिए जी। हाँ ठीक है। कहाँ से है? ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा, वैसे हरियाणा के है। हाँ, वो तो दिख रही थी तेरी शक्ल से पता है। इतने ठाड़े आदमी या तो हरियाणा में मिलेंगे, या तो पंजाब में, या पश्चिम उत्तर प्रदेश में। ये दबा के घी खावे, दूध पीवे, और पनीर तो सारे देश का यही खावे। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश, सारे देश का पनीर रगड़ देते हैं, टनों की मात्रा में खाते हैं। चलो ठीक है जीजी, तेरे को पतला कर देंगे। और हाँ, थायराइड इसको पूछ देना भाई, तेरा कितना थायराइड, कब बंद की दवाई? मैं बम्बई से हूँ, शिल्पा शाह। मैं 18 तारीख को आई, तो 17 तारीख से ही गोली बंद करके ही आई थी यहाँ। अच्छा, घर पे ही कम बंद करके आए, बाबा के पास जा रहे हैं? हाँ, और बाबा के जैसा ही होना है मुझे। ठीक है, तेरे को सन्यासी भी बना दूंगा। हाँ, और तेरे पति के साथ बना दूंगा। दीक्षा दे देंगे दोनों को। ठीक है, तो अभी तेरा बीपी की दवाई छूट गई, और थायराइड तो नहीं है, और घुटनों में दर्द था, लेकिन पॉइंट देते हैं ना स्वामी जी सब यज्ञशाला में, यज्ञ भी करते हैं, तो ठीक हो गया। लो, घुटने का दर्द भी ठीक कर दिया, थायराइड की भी दवा बंद कर दी, अब दोबारा नहीं शुरू करनी। ठीक है, चालू रखना उज्जाई, और ये बस उज्जाई। और इसको देना बहन जी को इधर, जो लंबे समय से बंद की हुई है, जिन्होंने ऐसे कौन से हैं यहाँ योगग्राम में, तो आके छुड़वा ही देते हैं सबकी, जिन्होंने लंबे समय से बंद की हुई, आगे आ जा बहन जी, चल के चलो करो। ओम स्वामी जी। उज्जाई करो सब 11 बार। जी बहन जी। ओम स्वामी जी। ओम ओम स्वामी जी। 14 साल पहले मुझे माइग्रेन और डिप्रेशन हुआ था। हाँ। उसका इलाज करवाई तो उसके दवाई से मुझे थायराइड हो गया। हाँ। और मेरा वजन भी 96 किलो हो गया था थायराइड से। हाँ। और उसके बाद मैं योगा करने लगी, योगा करने से मेरा माइग्रेन और डिप्रेशन सब ठीक हो गया, और थायराइड की दवाई 1 साल खाने के बाद बंद कर दी। कितने साल से बंद है अब? अब मुझे 3 साल से बंद है। ये लो, 3 साल से थायराइड की दवाई बंद है। लंबा प्रमाण चाहिए ना? सब मिलेंगे मेरे पास सारे प्रमाण। स्वामी जी, मैं 2-3 बार थायराइड चेक करवा ली, डॉक्टर ने कहा कि आपको कोई जरूरत नहीं है थायराइड की दवाई की। लो भाई, अब मैं योगा करती हूँ बस। अब मैं तो आई हूँ। उज्जाई कितनी बार करती है? 10 बार। हाँ, ये 10-11 बार रोज करना है। आधा घंटा अलोम विलोम और कपालभाति करती हूँ। और अब किसके लिए आई थी? अब मेरे पति के लिए, इनको किडनी का प्रॉब्लम है। हाँ, इनको भी ठीक कर देंगे जी। ये भी ठीक। 11 साल से ये भी आपका योगा 3 घंटे करते सुबह सुबह,
उसी से फिट है और ठीक है। हाँ, नहीं तो अभी तक तो करने तो बहुत खतरनाक, ठीक हो जाएंगे अभी, आशीर्वाद दे इसको, देना दूसरी बहन जी को लंबे। अब देखो इस इन चीजों में ना लोग कहते हैं ये तो अब 30 साल हो गए मुझे योग कराते कराते, नहीं तो मेरे को टिकने नहीं देते, अभी तक तो कत्ल कर देते मेरा। कि ये प्रमाण दो, 10 साल क्या होता है, 5 साल क्या होता है। मैंने कहा भाई 30 साल का तो प्रमाण मैं दे देता हूँ, अरे ये बड़ा प्रमाण होता है किसी भी चीज के लिए। जो बताओ जी बहन जी, उज्जय करो। ओम स्वामी जी प्रणाम, मैं चेन्नई से आई हूँ। नाम क्या जी? जी रेनू राठी। रेनू जी, मेरे को 13 साल से थायराइड था और 2006 में आपका कैंप लगा था चेन्नई में, तब से संतोष जी, संतोष जी ने लगाया था, तब से योगा करती हूँ। 3 साल से थायराइड नहीं है, हर 6 महीने में चेक कराती हूँ कोई गोली। 3-3 साल के ये प्रमाण ले लो, थायराइड की गोली बांध। और स्वामी जी मेरा यूट्रस में फाइब्रॉइड और सिस्ट था, निकालने के लिए बोला था तो मैंने नहीं निकलवाया, अभी बिल्कुल नहीं है कुछ भी। यूट्रस के फाइब्रॉइड भी ठीक कर लिए, ओवरी की सिस्ट भी ठीक कर ली, और रिपोर्ट है उसकी? नहीं, वो बहुत पहले की बात है। कब की? 10 साल हो गए। अब ये पुरानी साधक है मेरी, 15 साल से कर रही है ये, मैं गया था चेन्नई में तब से लगी हुई है बस। स्वामी जी मेरी ना शुगर 60 तक हो जाती थी, हॉस्पिटल में लो चल हो जाती थी। हाँ, अभी वो प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। तो अब यहाँ योग ग्राम क्यों आई है? मेरी घोटों में बहुत प्रॉब्लम हो गई है, वेरी कुछ वेंस। तो अब उसमें क्या फायदा है? अभी घोटों में तो नहीं फर्क पड़ रहा है, एक पैर मुड़ नहीं रहा 15 दिन से। ले इधर आ, तेरा पैर मोड़ता हूँ। बोलिए कौन सा जादू करेंगे भाई, बहुत चीजें तो ठीक कर ली इसने, अब एक पैर से लंगड़ी चल रही है ये, तो इसके लिए ये अब एक नई दवाई और बना दी है। ये पूरा लेप पहले पीड़ांतक लगाते थे, उससे भी ज़्यादा स्ट्रोंग बना दी। पीड़ांतक लेप लगाने के लिए मैं बोलता था रात को लगा करके सो जाओ, तो अब ये पीड़ानिल में, पीड़ानिल स्प्रे, पीड़ानिल तो सब था ही, अब ये पीड़ानिल ऑइंटमेंट बना दिया है, तो रात को लगा करके और इस पर पट्टी बांध के सो जाया करो, तो सुबह तक करीब 10 से लेकर के 25% एक ही दिन में फ़ायदा हो जाएगा, और 7 दिन में तो घोंटों घाटों सब ठीक पूरा। ये पीड़ांतक ऑइंटमेंट ये नया बना दिया, बहुत इसकी एफिकेसी बहुत ज़बरदस्त है, रात भर लगा के रखना इसको, है ना। अभी इसका एक घोटो लंगड़ी लंगड़ी चल रही है, चल आशीर्वाद तेरे को। ये तो आज लगा लेना, बाकी फिर अभी और मैंने हाँ पूरा सूझ भी रहा है, ठीक हो जाएगा, ले चल, है ना। अब ये काफ़ी बड़ी बड़ी समस्याएं ठीक करके आ आई हुई है, यूट्रस के फाइब्रॉइड्स, ओवरी की सिस्ट, लोग डर जाते हैं। जी आप जोधपुर गए थे ना? हाँ भैया आई थी हमारे जोधपुर में। हाँ हाँ हाँ, रवि गांधी जी, हाँ इनके सब पूरा परिवार ही फिर जुड़ जाता है बीएसएफ वाले, तो मेरे सभी फॉलो करते हैं। खैर उज्जाई किया सबने, ये भाई क्या कहना चाहते हैं इनसे भी पूछ रहे, चलो करो रोक करके रखो। महाराज जी प्रणाम, मैं फतेहाबाद हरियाणा से आया हूँ जी, मेरे थायराइड भी था, शुगर भी है और बीपी है। सारे मैंने कहा ना खानदान है पूरा। हाँ फिर थायराइड और बीपी तो ठीक हो गया जी, बिल्कुल जी। थायराइड ठीक है? हाँ बिल्कुल, शुगर बीपी भी ठीक हो गया जी, बीपी भी नॉर्मल आ गया। हाँ हाँ, अब शुगर जो है जी 70 इंसुलिन लेता था जी मैं, अब 70 इंसुलिन, हाँ जी, अब 30 पे आ गई है जी। चलो ये भी बड़ा काम कर लिया, आधी तो कर ली। हाँ जी 5 दिन हो गए जी मुझे आए हुए जी। 5 दिन में आधी होगी, 1 महीने में पूरी छूट जाएगी। कितने साल से शुगर है? शुगर है जी मेरे 15 साल से जी। 15 साल से ये शुगर धीरे धीरे रहती है, इंसुलिन और गोली खाते रहते हो, फिर धीरे धीरे किडनी खराब होती है, आंखें खराब होती है, नर्वस सिस्टम खराब होता है, न्यूरोपैथी होती है, गैंग्रीन होता है, आदमी सड़सड़ के मरता है। जैसे एक भाई बता रहा था, बोले जी उसका अंगूठा कटता देखा ना, उस दिन से डर गया मैं भाई, ये काम नहीं होने देना। और 4 किलो वजन कम हो गया जी मेरा जी 5 दिन में जी। बहुत ठाड़ा आदमी है, एक साथ कई बीमारियों को परास्त कर दिया। हाँ मैं यही तो बोलता हूँ ना, तुम बीमारियों से बलवान हो, बीमारियां तुमसे बलवान नहीं है, ये रोज बोलता हूँ, यहीं से शुरुआत की आज भी। मैंने आपका यहाँ योगराम के अंदर 2.5 साल पहले भी आया था जी, अब दोबारा आया हूँ जी। अच्छा अच्छा, हाँ जी, आज परिवार के साथ आया लगता है, दोनों वजह आए जी, उसको भी देना, इसके भी जो है ना यूटीआई की तकलीफ रहती है जी, इसको देना। यूटीआई के लिए मैं गोखरू बताता हूँ बहन जी, प्रयोग किया जी? जी हाँ जी ले रही हूँ स्वामी जी। आपने एक दिन कहा था ना कि जिसके ज्यादा यूरिन आ रहा हो फिर आप ना लेना, फिर मैंने बंद कर दी। ना ना ना, ना वो तो अच्छा। जो है
ज़्यादा यूरिन मतलब उसको दो टाइम तो लेना ही आपको है ना। अच्छा। और फिर उसको ऐसा करो गोखरू घनवटी खा लो आप, है ना। अच्छा। तो वो ठीक हो जाएगा। यूटीआई में क्या क्या हो रहा है आपको स्वामी जी? एक तो ना कंट्रोल नहीं होता है बिल्कुल भी, ठीक है। बार बार यूरिन आता है और कभी कभी इतना बंद हो जाता है, फिर जलन के साथ बहुत ज्यादा बुखार हो जाती है। गोखरू से जलन तो बंद हो गई होगी? हाँ जी, हाँ जी, जो गोखरू से जलन पूरी बंद हो जाती है। हाँ जी। अब ट्राई घनवटी ले लेना तू, है ना। और चंद्र प्रभा, हाँ जी, गोक्षरादि गुग्गल। अच्छा। और बार बार होता है ना पेशाब? हाँ जी। तो विषय तिंदुक वटी। अच्छा। ये एक एक महीने भर तक, एक दो महीने ले सकते हैं इसको। अच्छा। विषय तिंदुक वटी, इसको लगातार नहीं खाते हैं ना। विषय विष तिंदुक, विष माने कोई जहर नहीं है, कुचला होता है इसमें थोड़ी मात्रा में। विष तिंदुक वटी, ये और गोंद उसके तिल के लड्डू थोड़े अजवाइन के साथ, वो भी खा लेना। अच्छा। स्वामी जी एक साल पहले मुझे शुगर हो गई थी, पता नहीं चला मेरे को, अभी पता चला 3-4 महीने पहले। एक महीने तो मैंने दवाई ली, और अब क्या हाल है? फिर अब ठीक हुई बिल्कुल, मधुनाशिनी चालू कर दी थी। बस मधुनाशिनी और मधुग्रीट भी खा ले। अच्छा। वो यूरिन में भी फायदा हो जाएगा उससे। ठीक है, प्रणाम स्वामी जी। एकदम उसको देना, इधर एक बहन जी को। उज्जाई कर लिया सबने, तो अनुलोम विलोम करो, और अनुलोम विलोम भी हो गया तो थोड़ा सा, जो जिनको डायबिटीज आदि है ना, वो 5-5 मिनट कर लो, करो सब। जी बहन जी। ओम स्वामी जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बहन। मैं बॉम्बे से आई हूँ, जागृति शाह। मुझे 94 से घुटने में बहुत दर्द था, तभी मैंने इंजेक्शन लिया था दो पैरों में। 94 से? हाँ। फिर बाद में मैंने योगा से, डॉक्टर ने बोला नीचे नहीं। तुम्हारी इतनी उम्र उम्र कितनी है जागृति? 48। तो मतलब 24 साल में हो गया था ये? हाँ। ओ। फिर डॉक्टर ने बोला इंजेक्शन ले लो, तो मैंने लिया नहीं, योगा से मैंने ठीक कर लिया। ये लो। फिर अभी थोड़ा थोड़ा दर्द है, और अभी घुटना एक मूड नहीं रहा है, और स्वेलिंग भी बहुत है, सूजन बहुत है पैर। तो ये पीडानील ऑर्थोग्रिट भी खाना आप? हाँ, वो खा रही हूँ। और ये जो आज बताया ना पीडांतक, जो पीडानील जो ऑइंटमेंट है, हाँ, इसको लपेट लगा के रखो दिन भर। ओके। तो ये इससे क्या होगा, पूरा अंदर के सारा इन्फ्लेमेशन भी दूर हो जाएगा। हाँ। सारी स्वेलिंग भी दूर हो जाएगी, और कोई भी अंदर की जो अंदर बाहर दोनों तरफ से उपचार मिल जाएगा तो पूरा ठीक हो जाएगा। इसके ऊपर वो बालू रेत में मेथी अजवाइन सेंधा नमक डाल के सिकाई करते हैं पंचकर्म में, वो भी करवा लेना। हाँ ठीक है, है ना, पूरा ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है उससे। ठीक जागृति, अब 24 साल से बताओ घुटना गड़बड़ हो गया था। ये आजकल ना, आजकल एक काम और करते हैं, वो घुटने में से पानी निकाल फिर इंजेक्शन ठोकते हैं, उसे और बेकार हो जाता है। ये सब छेड़ाछेड़ी मत करो, नेचुरल तरीके से चीज़ों को हील करो। जहाँ देखो वहीं से कुछ भी निकाल दिया, कुछ भी ठोक दिया, ये सब ठोका ठाकी नहीं। कितने लोगों ने पानी निकलवा करके इंजेक्शन ठुकवा रखा है घुटनों में, इसको देना भाई। स्वामी जी, मेरे को 40 साल पहले मेरा जो है एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरा एक घुटना जो है पटेला दो हिस्सों में टूट गया था। दो हिस्सों में टूट गया था? हाँ। और जो है इसमें फिर वायरिंग करके उसको जोड़ा गया था। तो अब जाके मेरे को 3-4 साल से बहुत ज़बरदस्त इसमें दर्द हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर अभी 14 तारीख को आया था, पर तो अब मेरे को बिल्कुल कोई पेन नहीं है। क्या बात, कितने साल का दर्द था? और मैं कोई भी दवाई नहीं ले रहा इसकी घुटने की, ओनली मैं आराम से अब घूम फिर सकता हूँ। क्या नाम है? नाम क्या है? राम कुमार शर्मा। राम कुमार जी इधर आइए जरा, चलो एक बार जोर से हंसलो। देखो वो आपकी धर्मपत्नी थी क्या उधर? हाँ जी। पत्नी को भी ठीक कर लिया, और ये घुटना मोड़ भी सकते हो? अब देखो कोई दवाई नहीं ली, ये है कोई भी ना पीड़ांतक ना ऑर्थोग्रीट, खाली योग ग्राम में जो शुद्धि की क्रियाएं कराते हैं उसी से सारी गंदगी निकलेगा, केवल योग से, केवल नेचुरोपैथी से। अच्छा, शुगर मेरे को जो है 2017 से थी, शुगर से उसकी वजह से फिर मेरे को जो है एंजियोप्लास्टी भी हुई, और एंजियोप्लास्टी के बाद जो है मैंने दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी,
तो 8-8 गोली मैं डेली खा रहा था, जिसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि मेरा पेट खराब हो गया। 8-8 गोली रोज खा रहे थे, मेरा पेट खराब हो गया और मेरे को सुनना भी कम हो गया। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, कई बार पूछा भाई पत्नी किसकी है तो मैंने तो कहा भाई कहीं का ऐसे किसी पड़ोसन को तो लेके नहीं आ गए उसी का इफेक्ट है सर ये। हाँ तो अब देखो, लेकिन ये देखो अब पेट भी मेरा ठीक आ गया। और शुगर? और शुगर मेरा बिल्कुल नॉर्मल, कल ही मैंने चेक करा 103 है। 103 शुगर, जोरदार तालियां ठोको भाई इसके। और कोई दवाई, मैं एक हफ्ते से जब से आया हूँ मैंने शुगर की कोई दवाई नहीं ली। 15 दिन के लिए आया हूँ मैं, 1 तारीख तक यहाँ पर रहूँगा और 15 दिन का दोबारा फिर मैं जो है प्रोग्राम बनाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि उनको भी नॉर्मल हो जाए, हम भी नॉर्मल हो जाए उस चीज़। अब ये गोडे भी ठीक कर लिए, शुगर ठीक कर लिए, और उम्र कितनी? कोई प्रॉब्लम नहीं। उम्र कितनी बताई? मेरा अब 103 है। उमर 68 है, जोरदार ताली ठोको। अब ठीक बता रहे, पहले बता दिया भाई, सुनाई कम दे रहा है तो ठीक है। अभी हाथ दो, ये यहाँ से, ये यहाँ से दबाना। अच्छा अच्छा, इससे सुनाई भी अच्छा देगा और सुनाई कम दे तो अच्छा है फालतू की बातें सुनने होता है ये। ये जोर से दबो ना उसे, दर्द हो रहा ये बहुत जोर से दुखता है यहाँ, इतनी जोर से दबाना है? हाँ कर रहे हैं यहाँ से और यहाँ से, ऐसे ऐसे पैर में भी, यहाँ से आँख का और कान का दोनों का हो जाएगा। आँख का यहाँ है, यहाँ का। अच्छा अच्छा, हाँ एक जगह से नहीं होगा, एक यहाँ से एक यहाँ से, हाँ दोनों का कनेक्शन अलग अलग है। ये अब देखो, घुटना भी ठीक कर लिया, डायबिटीज ठीक कर ली और पत्नी भी थोड़ी सी ठाड़ी थी माड़ी कर ली। अब उसने लड्डू मत खिलाइए, 5 किलो कम कर दिया। हाँ 5 किलो कम कर लिया, चलो आशीर्वाद। मैंने भी 3 किलो कम कर दिया, तो इसने भी 68 किलो, मतलब और ज्यादा कम करने की जरूरत नहीं। आप तो फिर अब 65 है। 65 है, बहुत और क्या करें, चलो खुश रहो। 8-8 10-10 गोली खा के पेट तो खराब हो गई बेचारा। ये शरीर जो प्राकृतिक चीजें उनको अडोप्ट करता है, गोली तो इतनी सी होती है। खाना खा, आप फल खा लो 2 किलो, कोई दिक्कत नहीं करेगा पेट। वाटरमेलन खा लो और सेव खा लो, जिनको शुगर नहीं अंगूर खा लो। वो हमारा हैदराबाद वाला भाई था ना, 2 किलो फल खाता था, 2 गोली खाने में ये रिएक्ट करता है। और एलोपैथी की दवाइयाँ तो प्राकृतिक नहीं है, इसलिए यहाँ औषधियाँ भी आपको प्रकृति की देते हैं। खैर ये बहन जी को देना क्या कह रही है, बहुत देर से खड़ी है भी। खैर कहने सुनने को तो बहुत कुछ है यहाँ, मैं इसलिए आपको रोज़ हौसला देता हूँ यहाँ कि आप लोग इस प्रोसेस को अडोप्ट करते हैं तो बहुत कुछ एक साथ आपको प्राप्त होता है। तो आज हमने नए रजिस्ट्रेशन आज से योगाग्राम के शुरू हो रहे हैं, जो सारी बीमारियां अभी मैंने 1 घंटे में बताई आपको, 50-50 रोगी उसके होंगे। एक बहन जी बता दो फिर आगे की बात बताता, करो अपना कपाल भाती अनुलोम विलोम करो ना, और जो मोटे मोटे भाई बहन है 100-100 बार करो, बैठ गए ऐसे करिए बहन जी भिवानी वाली। ओम स्वामी जी। हाँ, प्रणाम। हाँ, मैं सरिता, मैं नोएडा से आई हूँ। हाँ, और मैं आपकी बहुत ज्यादा मुरीद हूँ। आप 2002 या 3 में नोएडा आए थे, आया था जी, तो तब से मैंने आपका वो ज्वाइन भी किया था। और मुझे सिस्ट की टेंडेंसी थी और वैराकस, ये सिस्ट की भी टेंडेंसी होती है, एक से दूसरी जगह ऐसे चलती रहती है, और वैराकस वेन्स थी। मैंने सर्वांग आसन कर करके और कपाल भाती अनुलोम विलोम सब करके अपने सब सारी चीज दूर कर ली सर। इसको वेरिकोज वेन्स भी था, सर्वांग आसन में कर बताता हूँ उसमें, ये कर लिया इसने। उम्र कितनी आपकी? 49 है, जबरदस्त है, तो बहन जी एकदम मजबूत हो गई। और क्या क्या था, गांठे कहाँ कहाँ थी? गांठे नहीं थी, वो बोल रहे टेंडेंसी थी गांठ की, ये सिस्ट, हाँ सिस्ट की टेंडेंसी थी। सिस्ट अंग्रेजी में बोलते हैं। हाँ, हाँ। कोई नहीं, कहाँ कहाँ थी वो ओवरी में थी। ओ ये ना, ओवरी से फिर ब्रेस्ट में कहीं पर भी हो जाती है, वो भी ठीक हो गई जी? एकदम ठीक हो गई। कपाल भाती प्राणायाम मैंने आधी आधी घंटा किया। और अब क्यों आई है?
अभी तो मैं बस ऐसे देखने आई थी स्वामी जी, नवंबर में मेरी बुकिंग थी तो मैंने ये सोच के आई थी कि मैंने कहा भी गया तुम वहाँ जाके क्या प्रॉब्लम बताओगी, मैंने कहा कुछ भी बता दूंगी। और स्वामी जी चांस की बात ऐसे हुई, मैं 25 जनवरी को मैं अपने पैर के ऊपर ही गिर गई, उससे मेरे घुटने में दर्द आ गया और इस पैर में दर्द आ गया, तो उसके कारण मैं बस उसी का ही ट्रीटमेंट ले रही हूँ। अब कैसा है वो दर्द? दर्द ठीक है स्वामी जी। चलो दर्द ठीक हो गया तो बहाना भी मिल गया। ऐसे कोई जरूरी नहीं कि योगग्राम में बीमारी होकर के आना है, ये तो ऐसी बात है। लेकिन स्वामी जी योगा में ओवर कॉन्फिडेंस था तो मैंने कोरोना के टाइम पे 30-30, 40-40 बार सूर्य नमस्कार करती थी तो उससे अपने हाथ में भी दर्द कर लिया था ये राइट हैंड साइड में। कोई नहीं, धीरे धीरे किया करो, है ना जी, जी आशीर्वाद, खुश रहो। देखो एक बात सुनो, ये ओवरियन सिस्ट, ब्रेस्ट में सिस्ट, सिस्ट सिस्ट सिस्ट, और फिर क्या करते हैं सिस्ट वालों को, इंसिस्ट करते हैं ऑपरेशन कराओ। अरे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। वो बहन जी कुछ कहना चाह रही है, बहुत देर से खड़ी हुई है। चलो करो अपना अपना अभ्यास करो, रुकना नहीं। हाँ। ओम स्वामी जी। ओम। मुझे 22-23 साल या 24 साल से माइग्रेन है। मैं बिना चाय के तो रह नहीं सकती हूँ और कहीं भी ज़्यादा लाइटें या धूप देख लेती हूँ तो मेरा सर चढ़ जाता है। मेरे को 2-4 कॉम्बिप्लेम नहीं लेती हूँ तब तक सर नहीं उतरता है, मुझे माइग्रेन की तकलीफ है। पर यहाँ पे आके फर्स्ट डे मैंने देखा चाय नहीं मिली तो पूरा उधम मचा लिया, हस्बैंड को बोला अभी के अभी चलो बस मुझे जाना ही, किधर लाके फंसा दिया। मेरी तो इवन 25वीं सालगिरह थी शादी की, घूमने जाएंगे ऐसा प्लान बनाया, पर हमारा ये जो 60 जन का जो ग्रुप था ये सब यहाँ आना चाह रहे थे तो हमने सोचा चलो जाते हैं, डिटॉक्स हो जाएगी बॉडी, साथ में सब लोग हैं, मजा आएगा, पिकनिक जैसा हो जाएगा। पर पहले दिन आके जो मैंने माहौल देखा और ये जो डाइट का प्लान देखा, 2 दिन का तो उपवास ठोक दिया पहले, खाने पीने की इतनी तकलीफ, चाय नहीं, 2 दिन तो माथा चढ़ा, मैंने तो भाग जाने का सोचा, बस चलो चलो मेरे को नहीं कराने, चाहे पैसे गए गए मेरे को ले चलो वरना मैं अकेली जाती हूँ। चंडी का चंडी रूप ले लिया इसने। मेरे को दोपहर को 2 घंटा सोने को चाहिए, सुबह 8 बजे को उठना है, सुबह उठते ही मुंह में ब्रश डाल के सीधा चाय का टोप रखती हूँ, चाय जाए फिर सब काम सूझे मेरे को। मगर यहाँ पे आने के बाद 3:30 बजे उठती हूँ, 4 बजे क्रिया को आती हूँ, रात को 10:30 तक पूरा दिन इधर उधर इधर उधर, ना सोने को मिल रहा है ना चाय मिल रहा है, वो 22-23 साल का माइग्रेन किधर चला गया कुछ समझ में नहीं आया। ए इधर आ, ये तो जबरदस्त मेरी लड़की है। ये उधर उधर इसके पति को भी लेके आओ भाई, इनकी शादी की क्या होती है ये वर्षगांठ यही मनवा देता हूँ। चलो भाई जोरदार ताली ठोको, इनकी शादी की वर्षगांठ मना दो, आ जाओ। अब इनसे पूछेंगे कि अगले 7 जन्म तक रहना चाहते हैं। तो आ जा। ये ठीक करिए, ऐसी और भी एक इधर बैठी है, उसका पति भी उसकी तरफ इशारा कर रहा था कि ये भी ऐसी ही थी। सेम डिक्टो, तू भी आ इधर। चाय 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 चाय। ए कितनी उम्र है तेरी? कितनी उम्र है इसकी? 48, ये 45। ये 45 की है, 25 की लग रही है। चलो जोरदार ताली बजा दो इसके लिए। अब ऐसे बेटा रोज जल्दी उठना, अब 8 बजे नहीं उठना, ठीक है ना, इसलिए तेरे को आशीर्वाद दिया है। और शादी की क्या एनिवर्सरी क्या होते हैं? एनिवर्सरी, अब पता ना हमको तो इसको साल गिरे, शादी की साल गिरे, एनिवर्सरी इधर उधर मनाने जाते थे, अब योगग्राम में आना है हर साल शादी की एनिवर्सरी मनाने। पक्का? ठीक है। और अब बच्चे भी तो होंगे, है एक बेटा, तो उनको लेके आना अगली साल। चल जाओ, अब चाय नहीं मांगेगी। इतनी चाय चाय, माथा चढ़ जाता है, और इसका माथा फोड़ने को हो गई थी। उसका फोड़ दिया। वही लेके आए थे ना सबको, वही लेके आए, उसकी तमाकू छूट गई। क्या नाम है उसका? दिवेश। तमाकू वाला दूसरा है? दिवेश, दिवेश। तमाकू वाला दूसरा है? हाँ तेरे वाले अच्छे वाले। उनको मैंने क्यों डांट दी? क्योंकि उन्होंने बोला आप टेंशन मत लो, उधर चाय दूध सब मिलता है, इवन 30-30 टाइप के खाने के काउंटर लगे हुए हैं।
कितना प्रलोभन लेके लाए, 30-30 तरह के खाने के काउंटर है, कोई तरह की चाय है यहाँ पता लगा यहाँ तो बोला मैं भूखी नहीं रह सकती हूँ तो बोले अरे तेरे को एसिडिटी के, अरे उधर तो जलेबी के काउंटर लगते जलेबी के तो बड़े बड़े प्रलोभन लेके लाए, इधर उबली सब्जी सब्जी मिल रही है, उबली सब्जी अब तो अच्छी लग रही है ना, वो भी दिस टाइप की है इसकी भी ऐसी थी। मेरा सेम ये जो बोल रहे हैं ना, समझो मैं ही बोल रही हूँ, सेम डिटो प्रॉब्लम है। तेरी क्या, तेरी उम्र कितनी है? मैं सुधा गोस्वामी, मेरी उम्र है 57। 57 की है, चलो अब और अच्छी हो जाएगी और तेरे पति भी सुखी हो जाएंगे। माइग्रेन का प्रॉब्लम, माइग्रेन का प्रॉब्लम बहुत क्रिटिकल, मेरा करीब करीब 25 साल से माइग्रेन का प्रॉब्लम, अभी मैंने 6 दिन से चाय नहीं पिया, अभी मेरा बिल्कुल ये नहीं है, 6 दिन से चाय नहीं पिया, मेरे को 2 टाइम चाय चाहिए। यहाँ चाय सबके बंद कर दे, वो भी टॉक्सिन्स अंदर डालते रहते हैं, उसको भी डिटॉक्स करते हैं, तो 1-2 दिन तो तकलीफ होती है, मेरा सेम प्रॉब्लम। लेकिन एक बात सुनो, ये दोनों मिल गई चाय वाली, अब तेरा मेरा सेम प्रॉब्लम, चलो इनको फोटो खींच दो, वो खींच रही है तेरी सहेली, बैठ जाओ बैठ जाओ, इधर बैठ, चलो उधर देखो, इसका भी हस्बैंड खींच रहा है, तेरी सहेली खींच रही है, स्वामी जी हम भी गोस्वामी, हाँ तुम भी गोस्वामी मैं स्वामी चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। ये चाय वाला भी बड़ा समस्या है, ये घर में चाय नहीं छूटती, बहुत आशीर्वाद, खुश हो बच्चों, देखो आशीर्वाद, मेरा माइग्रेन पूरा चला जाएगा। चाय कितनों की छूट गई, जरा हाथ उठाना यहाँ तिलाओ, जरा एक बार दोनों हाथों से ताली बजाओ, चाय वाले छूट गई चाय।